नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस दौरान सीएम साय ने कलेक्टर से कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटाई जाएं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों सहित सभी सभायुक्त और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मुख्यमंत्री साय कलेक्टर और संभाग के कमिश्नर के साथ राज्य और केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वहीं कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन 13 सितंबर को मुख्यमंत्री कलेक्टर और संभागायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक के साथ में जिलों में कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों की समीक्षा करेंगे। आपको बताते चले कि दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और आपको बताते चले कि कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा भी की गई है और सीएम साय की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। खबर रायपुर से है जहां पर सीएम साय मौके पर मौजूद रहे, कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा भी की गई है। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभाकक्ष में जिले के समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली है और बैठक में पुलिस अधीक्षक ने गणेशोत्सव और ईद के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए अपराधों की रोकथाम और शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही न बरतते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गणेशोत्सव के दौरान विजिबल पुलिसिंग पर जोर देना और असामाजिक तत्वों और बदमाशों और पुराने अपराधियों की गतिविधियों पर निगाह रखकर समय समय पर विशेष अभियान चलाकर इनकी चेकिंग करने को कहा है। देखिए, आगामी समय में कई सारे त्योहारों का सीजन है, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के आज हम लोगों ने मीटिंग ली। विशेषकर गणेश उत्सव जो चल रहे हैं उसमें सब तरह की व्यवस्थाएं अच्छे से हों, साथ ही साथ जिले में जो अपराधों का जो स्थिति रहती है, हर एक अपराध, हर एक शिकायत मर्ग और शिकायत जांच की हम लोग समीक्षा मीटिंग करते हैं और जो वरिष्ठ अधिकारियों से, कार्यालयों से निर्देश मिलते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। सरकार की मंशा है कि जो बदमाशों पर सख्ती की जाए और जो लोग हैं जिनको राहत के लिए थानों में आते हैं उनको मदद की जाए, उन सभी विषयों को भी लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। ट्रैफिक पे भी चर्चा हुई, क्राइम में कई सारी चोरियां बढ़ी हैं उस पर भी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। सूखे नशे में कितनी कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर हम लोग एक एक थाने वाइज कार्रवाइयों को देख रहे हैं। जागरूकता के कार्यक्रम जो हम लोग निजात अभियान के तहत करते हैं उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं, साथ साथ मर्ग गुम इंसान की भी हम लोग बात कर रहे हैं। ओवरऑल पुलिसिंग के सभी विषयों पे हम लोग क्राइम मीटिंग में डिटेल में चर्चा की जा रही है और उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आज हम लोगों ने एक जो जिले में अच्छा काम करने वाले लोगों को कॉप ऑफ द मंथ भी दिया। लगभग 12 पुलिसकर्मियों को, जिसमें ASI से लेके कांस्टेबल तक है, अलग अलग जो अपराधों में या अलग अलग कार्रवाइयों में या इवन ऑफिस में भी जिन्होंने माह अगस्त में अच्छा काम किया था, ऐसे 12 लोगों को बुला के सबके सामने सम्मानित भी किया गया, उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने 18 सितंबर को जगदलपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह प्रदर्शन आदिवासी समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों, उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ किया जाएगा और समाज के प्रतिनिधियों ने भी संभाग आयुक्त के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष दशरथ सिंह कश्यप ने बताया कि आदिवासी समाज कई हृदय विदारक घटनाओं से व्यथित है। 10 अगस्त को बीजापुर जिला और मुख्यालय में एक दिवसीय युवती की निर्मम हत्या हुई थी, लेकिन एक महीने बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और इन घटनाओं ने आदिवासी समाज के लोगों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। जापुर और दंतेवाड़ा जिला में आदिवासी समाज की एक नाबालिग का अपहरण
और बीजापुर में नाबालिग की युवती का हत्या के संबंध में आज जिला प्रशासन को एक सूचना धरना प्रदर्शन की दी गई है। बड़े दुर्भाग्य है कि इतना हृदय विदारक घटना के बाद भी कोई आरोपी या अपराधी दोनों प्रकरण में आज तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया। एक और पुलिस दावा करता है कि यहाँ पे जो गलत कार्य में लिप्त हैं लोग, उनको हम जंगल जंगल से निकाल के हम मारपीट कर रहे, कब्जे में ले रहे हैं। लेकिन आप जिला बीजापुर के थाना कोतवाली के सामने की घटना है, 3 किलोमीटर के अंदर का, सरस्वती कुड़ियामी नाम की युवती का हत्या किया गया दिन सुबह और उसे गिरफ्तार आज तक नहीं किया गया है। ऐसे अपराधियों आरोपियों तक गिरफ्तार पूछताछ करना पुलिस ने नहीं माना। 1 तारीख सितंबर को कोंदुम जिला दंतेवाड़ा के गांव से 6 माह की एक बच्ची का अपहरण, आदिवासी बच्ची का अपहरण किया गया, जिसमें भी पुलिस ने आज तक किसी आरोपी और अपराधी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आदिवासियों का जीवन पुलिस के या शासन प्रशासन के नजरिए में ये तुच्छ है, द्वितीय श्रेणी के हैं, इसीलिए ऐसा व्यवहार की जा रही है। इस चीज को ध्यान में लाने के लिए 18 सितंबर 2024 को यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और शासन प्रशासन को इसका ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज जो है हम लोग छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की तरफ से 18 सितंबर को बीजापुर में जो लड़की की हत्या हुई है और दंतेवाड़ा में 6 महीने की बच्ची का जो अपहरण हुआ है, इन दोनों घटनाओं में जो है पुलिस सक्रियता से जो है अपराधियों की धरपकड़ करने में अभी तक नाकाम रही है। इसलिए हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की तरफ से आज जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि 17 तारीख तक यदि गिरफ्तार नहीं करते अपराधियों को पुलिस, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय अभी हम प्रदेश हमारे अध्यक्ष शिशुपाल सूरी जी के साथ वार्तालाप में ये निर्णय दिया गया है कि 18 तारीख के बाद यदि गिरफ्तार नहीं करता है तो पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज के द्वारा इन घटनाओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सावधान, शहर में ठग गिरोह सक्रिय हैं। कभी लोगों से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही, तो कभी राह चलते धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला परपा थाना क्षेत्र का है, जहां पर गुरु घासीदास वार्ड के वार्डवासियों ने फर्जी नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले महिला के खिलाफ पूर्व विधायक रेखचंद जैन, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक को 35 से 40 आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। वार्डवासियों ने बताया कि संजीता नाग नामक की एक महिला नौकरी लगाने के नाम पर 40 से अधिक लोगों से पैसे लिए हैं, और यही नहीं, इस महिला ने तो नगर निगम को भी नहीं छोड़ा है। वार्डवासियों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए लूट चुकी है। गुरुघासी दास वार्ड के पार्षद ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी कुछ दिन पहले ही मिली है, जिसकी जानकारी उन्होंने विधायक को दी। धोखाधड़ी करने वाले ठगियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र का मामला है। ये गुरु घासीदास वार्ड और जगदलपुर के और वार्ड हैं, शांति नगर है और जो स्लम बस्ती है वहाँ के हमारे गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर संजीता नाग नाम की महिला, जो कि इन गरीबों को सब्ज बाग दिखाकर, प्रधानमंत्री आवास दिखाकर इनको दिलाने के लिए इनसे किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 10,000
एक महिला से तो नौकरी दिलाने के नाम पर 70,000, एक से बोलेरो लेके भग गई है, और इस तरीके से लाखों रुपए का घोटाला करने का काम की है, ठगने का काम की है। ये गरीब वर्ग के लोग हैं, कर्जा लेकर उधार लेकर ये पैसा को दिए हैं। आज इस बात को एक महीना से भी ज़्यादा हो गया है, इनको आज तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। आज हम कांग्रेस परिवार के लोग इन गरीबों की बात को सुनकर इनकी लड़ाई के लिए आज हमने सबका अलग अलग आवेदन लिया, और आवेदन लेके एसपी साहब से चर्चा हुई। एसपी साहब रायपुर मीटिंग में हैं, एडिशनल साहब जो महेश्वर नाग जी हैं उनको उन्होंने निर्देशित किया है, उनसे हम लोग मिले, मिलकर उनको आवेदन दिए हैं, और इस पर तत्काल एफआईआर दर्ज होने की उन्होंने बात कही है, और गरीबों के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा और इनका हक अधिकार इनको वापस दिलाया जाएगा, और इस तरीके का और सारे जो भी आवेदन आएंगे उस पर फिर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। नगर निगम के जो फार्म है उसमें भरवा के लोगों से पैसा ले के उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नगर निगम वाला फार्म नहीं था, ये उसने अपना कोई एक अलग से फॉर्म बनाया, उसमें लोगों से दस्तखत कराया, पैसा लिया, मतलब सीधा सीधा 400 बीसी का काम, ठगने का काम इसने किया है। ऐसे लोगों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग हम लोग कर रहे हैं, और हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है, एसपी साहब पे पूरा भरोसा है, एडिशनल साहब पे भरोसा है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होगी और गरीबों को उनका न्याय और हक मिले। आरोपी का आधार कार्ड में भी नाम अलग है? आधार कार्ड में वो फोर्जरी है, उसका नाम संजीता नाग पति राजू नाग बताया जा रहा है, ये बकावन ब्लॉक के सरगीपाल की निवासी बताया जाता है इसको, और आधार कार्ड में इसका जो नाम है मेरोलिन डिगल पति यूटिया, ये रामनाथपुर हैदराबाद तेलंगाना का एड्रेस दर्ज है। जो 400 बीसी करने वालों को लोग इसी तरीके का काम करते हैं, और परवा पुलिस में एक हफ्ता पहले किसी दो की रिपोर्ट पर उसको पकड़ा भी गया था, तो मैं पैसा वापस दे दूंगी एफआईआर मत कराओ बोल के वो बच के निकल गई, लेकिन हमने एसपी साहब को भी बताया और एडिशनल साहब को भी बताया है कि परपा टीआई से इसकी जांच कराए, क्योंकि इस मामले को वो जान रहे हैं, इस महिला को जान रहे हैं, ताकि कार्रवाई करने में और पकड़ने में जल्दी आसानी हो जाए। मेरा नाम अजीत है, कुमारपड़ा में रहता है। हाँ, क्या है पूरा मामला बताओ? वो कार लेके गया सर, मेरा ड्राइवर कार है, वो लीज में दिए गए एक महीना को 35,000 दिएगा बोल के लेके गया है, 15-16 दिन हुआ है अभी तक नहीं मिला, फोन करेगा तो फोन स्विच ऑफ कर दिया है। लीज में देगा, कहाँ पर लगा के देगा लीज में, ये तो बताया होंगे ना? वो मैं कलेक्टर ऑफिस में काम कर रहा है, और क्या बोलता है एक ऑफिसर है ऐसा बोला है सर। नहीं तो कहाँ लगा देंगे लीज में, ये नहीं बताया कौन सा ऑफिस? नहीं, मैं खुद लेगा बोला, कलेक्टर ऑफिस में मैं काम कर रहा है, मेरा को थोड़ा गाड़ी चाहिए ऐसा बोला। आपने बिना लिखी पढ़ी के दे दिया? लिखी पढ़ के दिया सर। कुछ एडवांस वगैरह पैसा भी नहीं? कुछ एक पैसा भी नहीं दिया। आप लिखा पढ़ी किए हो? हाँ सर। क्या गरीब लोग साहब, कहीं से कर्जा लिए, कहीं कुछ किए हैं, इससे तो नौकरी दिलाने नाम से पैसा ले लीजिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव, विभागीय सचिव सहित सभी संभागायुक्त और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि सीएम साय की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और मुख्य सचिव, विभागीय सचिव भी मौके पर मौजूद रहे, और सीएम साय की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे ये जहां पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय 75 दिन तक मनाए जाने वाले देश के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के सफल आयोजन के संबंध में समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने इस दौरान बस्तर दशहरा पर्व की गरिमा के अनुरूप सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सर्व संबंधित को भी सौंपे गए हैं और दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए जाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 75 दिन चलने वाले बस्तर दशहरा पर्व हरेली अमावस के दिन पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ में 4 अगस्त 2024 से शुरू हो गई है।
जो कि 19 अक्टूबर 2024 तक मनाई जाएगी। यह दशहरा पर्व कई जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक आध्यात्मिक भावना का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय को इस दौरान बस्तर दशहरा उत्सव समिति द्वारा इसमें कई कार्यक्रम के आयोजन के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के दौरान 15 अक्टूबर 2024 को मुनिया दरबार का आयोजन होगा और इसी तरह से बस्तर दशहरा को भव्य रूप से देने के लिए विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही बस्तर दशहरा पर्व में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष यात्री बसों के संचालन के संबंध में भी चर्चा की गई है। आपको बताते चलें कि खबर रायपुर से है, जहां पर ऐतिहासिक दशहरा पर्व का जो आगाज है वो हो रहा है। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा और निर्देश भी दिए गए हैं। यहां पर एक सीएम ने समीक्षा बैठक भी बुलाई। दशहरा पर्व के आयोजन में इस बैठक का संचालन किया गया और साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। दशहरा पर्व के आयोजन में बैठक का आयोजन किया गया, ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व मनाया जा रहा। रायगढ़ के मशहूर सीने तारिका और नृत्यांगन मीनाक्षी शेषदी चक्रधर समारोह में भरतनाट्यम पेश करेंगी। इससे पहले मीनाक्षी शेषदी ने पत्रकारों से भी बातचीत की और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 30 साल बाद वे अमेरिका से भारत वापस आई हैं और चक्रधर समारोह में उनका पहला परफॉर्मेंस होगा। यहां पर ऑडियंस उन्हें जरूर स्वीकार करेगी और साथ ही पसंद भी करेगी। ये साल 2024 उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल होगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार जो है वो कर रही हैं, वहां पर नृत्य के स्कूल स्थापित किए हैं। भारतीय संस्कृति का विदेश में काफी प्रचलन है। मीनाक्षी ने यह भी बताया कि वे जयपुर लखनऊ घराने से रहने वाली हैं। कथक, भरतनाट्यम और ओडिशा नृत्य भी परंपरागत है। ट्वेंटी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना और साल है, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद 30 साल के बाद अमेरिका से वापस इंडिया आई हूँ और बड़ी खुशी के साथ कह रही हूँ कि चक्रधार समारोह में ये मेरा पहला शास्त्रीय नृत्य का प्रोग्राम होगा इतने सालों के बाद, और मैं जनता से मिलने के लिए उत्सुक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा नृत्य लोगों को पसंद आए। सात समुंदर पार, लोग अब हैरान होंगे कि हिंदुस्तान में हम लोग जितना कल्चर को मानते हैं उससे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वो अपने देश से इतने दूर हैं और यही एक तरीका है अपने देश से जुड़ने का, उसके संगीत नृत्य वगैरह वगैरह के साथ अपने बच्चों को शिक्षा देना वगैरह। और मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की एज ए टीचर, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। 30 साल बाद तक भारत सरकार ने कुछ बदला के मौके लेकर आपने काफी कुछ कहा, क्या कुछ बदला है जिसको लेकर आप कुछ बदलना चाहते हैं? मैं अभी अभी आई हूँ, बस थोड़ा थोड़ा गाड़ी निकलने दीजिए, सब देखा जाएगा। आपने कहा कि 2024 में आपकी फिर से वापसी हो रही है, इस तरह से वापस होने का सुख देखेंगे तब तक आपको जाने वाला? ये मैं खुद उत्सुक हूँ जानने के लिए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है, और भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। बस मैं भगवान को अपने दिल में रखते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हो फुल आनंद और खुशी के साथ। मान के चले मतलब धमाकेदार वापसी हो रही है आपकी? धमाकेदार आप लोग बनाएंगे। मैम, इंडस्ट्रीज में आपकी जगती माला रहमान, आशा पारेख, हेमा मालिक, क्या नेक्स्ट फिल्म आपकी फिल्म आएगी वो डांस बेस्ट फिल्म रहेगी? क्या उषा सिंह के साथ ये डांस आइटम के लिए पहले फिल्म बना करते थे, आजकल आइटम साफ हो गया। मैं यही मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप अपने आर्टिकल्स में अपने जो प्रेस कवरेज है उसमें जरूर कहें कि मीनाक्षी का एक डांस बेस्ड फिल्म तो होना ही चाहिए, बनता है। मैम, इंडियन क्लासिक म्यूजिक और म्यूजिक और इंडियन आइडियल और डांस कोर्स है इंडिया में, किस तरह से प्रयास करना है, कुछ कमियां लगती
लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कलाकार का दूसरा नाम स्ट्रगल है, क्या करे, पर जब सक्सेस आता है तो फिर बस ईश्वर को याद रखते हैं। रायपुर में यूथ मिल हायर सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की है। इस दौरान वित्त मंत्री ने रायगढ़ जिले के वृद्ध नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना, नवीन प्रयास विद्यालय खोलने के निर्णय और छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की योजनाओं की जानकारी दी है। और कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने विराट कोहली के उदाहरण से बच्चों को लक्ष्य पर अडिग रहने और उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही है। उन्होंने जिले के सभी स्कूलों में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम करने, विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शक पुस्तिका प्रदान करने का आश्वासन दिया है। जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने राज्य सरकार को वादे याद दिलाने के लिए मसाल रैली निकाली है। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और बीजेपी पर चुनाव से पहले पंडाल में आकर केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने नगरीय निकाय चुनाव में सबक सिखाने की बात कही है और साथ ही 27 सितंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश और फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम हम अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसकी समस्त जवाबदारी छत्तीसगढ़ की सरकार की है। कर्मचारी कभी हड़ताल के लिए जाने के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो स्वयं चाह रही है कि हमारे खिलाफ में हड़ताल करे और कर्मचारी इसी को लेकर के आज हड़ताल में है, क्योंकि जो घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था, जो पंडालों में जाकर के कर्मचारी यूनियन के पंडाल में जाकर के वादा किए थे, कसम खा, उसको हम अपने से हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हड़ताल पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है, जो पूरे हड़ताल हो रही है। और समय में जो आगामी जो चुनाव नगरी निकाय है, ग्राम पंचायत के जो चुनाव है, उसमें पूरे कर्मचारी जो पहले उनको साथ दिए, प्रकार से पूरे प्रदेश उसको गिराने का प्रयास करेंगे। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की निकाय और ग्राम पंचायत में सरकार नहीं बनेगी, इसका छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी विरोध करेंगे और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी देखेगी। प्रदेश में मसाल रैली निकाल रहा है। हमारा यह आंदोलन चार चरणों का है। प्रथम चरण में हमने इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक मसाल रैली निकाली राजधानी रायपुर में। द्वितीय चरण में हमने माननीय सांसदों और विधायकों को ज्ञापन दिया। तृतीय चरण में ये हमारी आज की मसाल रैली है, पूरे जिले ब्लॉक तहसील में हो रही है। हमारी लंबित जो मांगे हैं, लंबित महंगाई भत्ता केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को, चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, अर्जित अवकाश 240 दिन से 300 दिन करने सहित हमारी विभिन्न मांगे, वेतन विसंगति के सहित अनेक मांगे हमने राज्य सरकार के समक्ष रखी है। राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह उल्लेख किया था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, हम कर्मचारियों की हर मांगे पूर्ण करेंगे। लेकिन आज बहुत अधिक समय बीत गया, लगभग एक वर्ष कहा जाए, कर्मचारियों की समस्याओं पर यह सरकार संवेदनशील नहीं है। प्रदेश के कर्मचारी बहुत अधिक रुष्ट हैं और यही कारण है कि आज यह मसाल रैली पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालयों में, तहसील ब्लॉक में चल रही है। इसके बाद भी यदि नहीं होता तो अगला चरण हमारा 27 सितंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश है और उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी राज्य सरकार की होगी। लास्ट वीडियो में इतना ही। नमस्कार।